हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं कैंपस टूर एम्स भोपाल का। ठीक है, तो आपको जो बिल्डिंग दिख रही है पीछे, ये मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है। ये पूरी मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है। इस तरफ आप जाओगे तो आपको पूरा आपको मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी, सारे मेन चीज़ें यहाँ पे, और आपका हॉस्पिटल यहाँ पे। आपको पीछे दिख रहा होगा गेट, तो ये आपका एक गेट है जहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, आप दिख रहा होगा पीछे, आपको गेट दिख रहा होगा, तो ये आपका मेन गेट है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पूरी एंट्री होती है। राइट साइड में आपकी रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे सारे आपके जो प्रोफेसर्स, डीन, डॉक्टर्स जो भी होते हैं यहाँ पे आपके रहते हैं। पूरा आपका रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बीच में कुत्ते भी भाग रहे हैं, लेकिन वो कैंपस के एक इंटीग्रल पार्ट है, वो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो आप देख लो, ये आपका पूरा डीनरी एरिया, इसमें पूरे आपके रेसिडेंशियल एरिया है। चलो आप लेके आते हैं आपको हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल आपको बाहर से दिखाएंगे, क्योंकि अंदर से तो आपको परमिशन मिलेगी नहीं। बाहर से हॉस्पिटल जाके हम लेके जाएंगे आपको पूरा कैंपस टूर। ठीक है, अभी रात के आप मान के तो 12:30 बज रहे, जो हम लोग सब रोक कैंपस टूर करें। चलिए, ठीक है, चलो। तो आप देख पाओगे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में सारे आपके डायरेक्शन लिखे हुए, तो आप जब भी गूगल में आओगे आपको दिख जाएगा। स्ट्रेट जाओगे आपको ओपीडी मिल जाएगी, स्ट्रेट जाओगे इमरजेंसी ट्रॉमा मिल जाएगा, नॉन कोविड इमरजेंसी मिल जाएगी, आपकी आईपीडी यहाँ पे मिलेगी आपको। इस तरह यहाँ पे आपके सारी चीज़ें, कॉलेज, हॉस्टल, सारी चीज़ें, ऑडिटोरियम, आपका कॉलेज सारा यहाँ पे है। तो आपको पूरा यहाँ पे आईपीडी और ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो अभी यहाँ पे हम जाएंगे, पहले हम लोग पूरा एक हॉस्पिटल का सामने से आपको व्यू दे देंगे, कहाँ पे क्या है वो आपको एक बार हम दिखा देंगे। तो यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे थे, यहाँ से आपको पूरा ये हॉस्पिटल आप देख सकते हो। पूरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, जैसे आप देख सकते हो पूरा आगे आपका ये हॉस्पिटल है। तो आगे आपका इमरजेंसी सेंटर भी है, ट्रॉमा सेंटर भी है, सारे सेंटर आपके आगे मिल जाएंगे। तो आप देखोगे पीछे दिख रहा है आपको, यहाँ से हमारा पाथवे आप पूरा यहाँ से जाओगे हॉस्पिटल, कॉलेज आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको पूरा भी हॉस्पिटल दिखाऊंगा पूरा। आज बारिश गिर आपको थोड़ा रोड के लिए दिखेंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख सकते हो पीछे आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं पीछे पूरा हॉस्पिटल। और हम चलते हुए जा रहे हैं आराम से अपना पूरा इस हरियाली के बीच में से, तो दिखाते हैं आपको पूरा ये कैंपस। ठीक है, तो देख सकते हैं पीछे ही आपके सेंटर्स लगे हुए, हम जा रहे हैं अभी वहाँ पे। ये पूरा मेन आपका इमरजेंसी है, यहाँ पे दिखाओगे पूरा आपका इमरजेंसी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जितने इमरजेंसी से आपके यहीं पे आएंगे, उसके आगे तो दिख रहा है आपका वो ट्रोमा है। ठीक है, उसके आगे ट्रोमा है, इस तरफ कुछ नहीं, इस तरफ पूरा मतलब एक ग्राउंड जैसा पार्किंग बना हुआ है। पीछे की तरफ दिखाओगे पूरा पार्किंग बना हुआ है, हम यहीं से आए। ठीक है, ये पूरा पाथवे हम चल के आए। आप हम लोग एक एक कॉफी कर चुके सब लोग, अब हम जा रहे हैं वापस से अपने कैंपस टूर की तरफ। ठीक है, तो आपने जो अभी नेस कैफे देखा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सैंडविच सब कुछ मिलेगा, 24/7 आपको ओपन रहेगा। तो हम रोज़ यहीं पे पड़े रहते आधा टाइम, और फिर हम लोग रात को जाके सोते, सीधा कॉलेज जाते। तो अब हम जिधर जा रहे हैं आपको दिखाएंगे मेन फ्रंट एरिया, जहाँ आपका आईपीडी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे पूरा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आपका ऑडिटोरियम। तो आप देख सकते हैं पाथवे यहाँ पे हम जा रहे हैं, हमें आपको हॉस्पिटल जाएंगे। तो ठीक है, आपको कैसे जाएंगे आपके कॉलेज पे, यहाँ पे आपके कॉलेज पूरा पाथवे एंड तक बना हुआ है, आपको पूरी छाव मिलेगी। अगर आपको कैंपस चलना है तो आपको पूरा सुबह धूप रहेगा, तो आपको पूरी छाव मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। आप जिस पर लेफ्ट में देखा होगा, लेफ्ट में आपको पूरा का पूरा गार्डन जैसा व्यू मिलेगा, पूरा प्लांट्स लगाए हुए। आप आगे आपको एक पर्चे दिखाते हैं, यहाँ जाइए राइट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का एंग्रेविंग है, एंग्रेविंग जो भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में भी बोलते हैं एंग्रेविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम्स लिखा हुआ है झाड़ियों से, झाड़ियों से प्लास से बीच में ऐसे कट मारे हुए, हम सब किया। आप देखोगे कितना सुंदर दिखता है, मतलब सुबह इसका इतना व्यू नहीं आता, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा सही दिखता है। आप देख पाओगे कितना मस्त मतलब उसको लिखा हुआ है, एकदम एम्स AIIMS। ठीक है, तो ये एक हाईलाइट पॉइंट है कैंपस का। आपको जो आईपीडी दिख रहा था वो आईपीडी यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, देखा आपको आईपीडी है, यहाँ पे आपका पूरा लगा हुआ है आईपीडी। देखो देखा रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ आपका आईपीडी और दो मिल जाएगा आपको, दो मतलब। ठीक है, आईपीडी लिखा हुआ है, एक देखो आईपीडी। यहाँ पे आप अंदर जाओगे आपको कैंटीन मिल जाएगा, जहाँ पे सब लोग पड़े हुए मिलते हैं आपको कैंटीन में। ये आपका मेन आईपीडी का एंट्रेंस गेट है। अब हम चलते सीधा, जैसे आप स्ट्रेट जाओगे आपको मिल जाएगा कॉलेज, पहले आपका बीच में आएगा आयुष की बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको पहले आयुष बिल्डिंग कवर करते हैं, वहाँ तक आपका टाइम लगता है, थोड़ा चलो। तो जो आपका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट था, जो आपका कैंसर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वो आपका यहाँ पे है। जैसे आप आईपीडी से आगे बढ़ोगे, आपका डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, मतलब वहाँ से आप जाओगे, आपको राइट हैंड साइड में डिपार्टमेंट पूरा मिल जाएगा, ये आपका डिपार्टमेंट है। अब हम जाते हैं आगे, ये आपका पूरा आईपीडी था, पीछे देख पाओगे वहीं से हम लोग चलते हुए हैं, टाइम लैप्स लेके आपको आए।
तो हम लोग आपके कह रहे हैं ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जूम करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपका ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट है जो एकदम मतलब लाइटिंग की बहुत कमी है। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से आयुष के बिल्डिंग की तरफ। चलो तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आगे। अब दिख रहा होगा पीछे पूरा आपका डिपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका ऑन्कोलॉजी था, उसके पीछे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा पूरा आईपीडी ओपीडी तो हमने देख लिया आपके सामने, देखो लाइटिंग की कमी है, क्या ही कर सकते। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग आयुष बिल्डिंग की तरफ। आप देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है हर तरफ, ऐसे लग रहा है कि नीले नीले बोर्ड लगाए होते हैं, जिसको कोई देखता नहीं था वैसे घूमते। आगे जाते हैं हम लोग सीधा आयुष की बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा पानी हो गया, हमें कूद कूद के आना पड़ रहा है वाटरफॉल्स को। आप देखते हो आयुष की बिल्डिंग, दिखाता हूँ आपको मैं। आप देख पा रहे हो पूरा आपका कैंपस है यहाँ पे, जबकि आयुष की बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे। सारा आपका कोविड टेस्ट, कोविड वैक्सीन सारा आपका यही पे होता है, ठीक है। आपकी रेड पूरी बिल्डिंग है, ये आपकी आयुष की बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे झाड़ मस्त लगाए हुए, मतलब खर्चा किया हुआ है। लेफ्ट में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरा, यहाँ पे भी झाड़ पूरा रोड है आपका, जो सीधा आपके बॉयज हॉस्टल लेके जाएगा आपको, यूजी बॉयज हॉस्टल, आपके पीजी बॉयज हॉस्टल स्ट्रेट जाएगा। आगे आपके मिलेगा आपको ऑडिटोरियम पे, राइट में देखोगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा आयुष बिल्डिंग। तो है आयुष की बिल्डिंग जैसे ही खत्म होती है आपको मिल जाएगा हमारा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो आयुष की मेडिकल कॉलेज में उसके आगे आपको मिलेगा नर्सिंग कॉलेज, तो आपको पता चलेगा मेडिकल कॉलेज का व्यू, उसके बाद हम जाएंगे नर्सिंग कॉलेज पे। अब देखो रहे अब हम आ चुके हैं आयुष की जैसे बिल्डिंग, अपने आप क्रॉस कर ले तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, ठीक है। लिखा हुआ है आपका एवं भोपाल एकेडमिक ब्लॉक, ये आपका मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आपके MBBS का कोर्स चलता है, और वहाँ पे आगे आपका नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है। तो ये कॉलेज ऊपर आपको सिंबल दिख रहा होगा एम का, तो सही एकदम सही एंट्रेंस बनाया हुआ है। यहाँ से आपको गेट दिखेगा एक, और आपका मेन ये एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ पे एंट्रेंस में आपको गार्ड्स मिलेंगे 24/7 जब भी आप आओगे। यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, आप लेफ्ट में, लेफ्ट में पूरा एकदम हरियाली है, यहाँ पे सब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ पार्क होती है। जब आप देख पाओगे सुबह ये पूरे गाड़ियों से भरा होता है, लेकिन शाम को आप देख पा रहे हो पूरा हरियाली है। यहाँ पे पूरे आगे भी पूरा गार्डन बनाया हुआ है, और आगे आपका ऑडिटोरियम है। तो आप देख पा रहे हो रात का व्यू है एम्स भोपाल का MBBS कॉलेज। चलो चलते हैं कॉलेज के अंदर, आ जाइए। तो जब मेन कॉलेज है जैसे हम उसके अंदर, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है।
पास से स्टार्ट करेंगे। अरे हॉस्पिटल ऐसे में स्टार्ट करेंगे, कुक करना मेरे को। मैं बोलूंगा हेलो गाइस,